आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। 40 वर्षों से जाना पहचाना नाम रामदयाल ब्रदर्स, जहां आप पाएंगे कूलर ही कूलर सभी ब्रांडेड कंपनियों के, सिम्फनी, बजाज, उषा, हेवल्स, ओरिएंट, 155 तरह की वैरायटी में उपलब्ध पर्सनल एवं डेजर्ट कूलर की भव्य श्रृंखला होलसेल रेट पर उपलब्ध। हमारा पता रामदयाल ब्रदर्स क्रोमा शोरूम के सामने, दो बत्ती रतलाम। सैकड़ों अधिकारी होने के बावजूद भी क्षेत्र की समस्या का नहीं हो रहा निराकरण। कांग्रेस पार्षद ने कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर निगम अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। निगम आयुक्त सहित अधिकारियों को लिया आड़े हाथों। जो न हुई पूरी मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जाम के नारे लगाने के साथ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और मजदूर संघ द्वारा संयुक्त रूप से रनिंग रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। रहवासी क्षेत्रों के बाद अब चोरों के निशाने पर इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर चोरों ने चटकाए ताले। 3 लाख से अधिक रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। औद्योगिक थाना पुलिस प्रकरण दर्ज कर विवेचना में जुटी। घटना के विरोध में सकल जैन श्री संघ का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर नंद कुमार सूर्यवंशी से मिला। गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर निगम की हालत बस से बदतर होती जा रही है। करने को तो यहाँ पर हजारों कर्मचारी, सैकड़ों अधिकारी एवं निगम आयुक्त के साथ में नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन नगर निगम की यह हालत है कि महीनों तक नगर निगम के काम संपादित नहीं होते हैं। लोग सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद कविता महावर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची और उसने वहां पर आरोप लगाया कि निगम आयुक्त के साथ में जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। सड़कों पर गंदा पानी, सफाई नहीं होना और समय पर पेयजल का वितरण नहीं होने जैसी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब भी हम अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन लगाते हैं तो वह टालमटोल वाला जवाब देते हैं और क्षेत्र की जनता आक्रोशित होकर उनको परेशान करती है और मेरी निगम में सुनवाई नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि आखिर में कहीं तो सुनवाई हो। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद कविता महावर ने जानकारी देते हुए बताया। सर, हमारे वार्ड में सीवरेज की काफ़ी समस्या है। सीवरेज वालों ने जो काम किया है इतना घटिया काम किया है कि सीवरेज का पानी पूरा रोड पर आ रहा है। कंप्लीट काम कर बिना किए ही वो दूसरे वार्ड में चले गए हैं और आज जनता वहाँ की इतनी परेशान है। हर दूसरे दिन अभी भी आप जाकर देखोगे वार्ड में तो इतनी गंदगी छाई हुई है, रोड पर गंदा पानी आ रहा है। हर दूसरे दिन हमें शिकायत करनी पड़ती है। ठेकेदार बोलते हैं निगम की मशीनें मंगवाओ, निगम की मशीन वालों को फोन करते हैं तो बोलते हैं अभी खराब है, अभी दूसरी जगह गई हुई है। मतलब हमें कंटिन्यू फोन पर लगे रहना पड़ता है। ये बताएं, आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, आप बोल के काम करवा सकते हैं, पर आपको खुद कोई परेशान होना पड़ रहा है तो मतलब क्या कहेंगे? ये हमें नहीं पता कि ठेकेदार किसके आधार पर ये काम कर रहे हैं। ठेकेदार को कई बार बोल दिया गया है, सीवरेज से संबंधित सारे अधिकारियों को हमने निवेदन कर दिया है, लेकिन वो हमारी कहना नहीं सुन रहे हैं। नगर निगम में भी क्या सुनवाई नहीं होती? नगर निगम में भी हमने आवेदन दे दिए हैं इसके लिए, नहीं होती जी, नहीं हो रही है, इसीलिए अब हमें मजबूर होकर यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा है जन सुनवाई में। मंडल कार्यालय परिसर पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन एवं वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में रनिंग स्टाफ की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। गोधरा रतलाम, गोधरा सेक्शन का वर्किंग रतलाम डिवीजन के बनने के समय से ही रतलाम हेडक्वार्टर के क्रू के पास है, जिसे प्रशासन के द्वारा उसमें कुछ रेशों में वर्किंग गोधरा हेडक्वार्टर को दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं रनिंग स्टाफ की एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर गोधरा हेडक्वार्टर के क्रू को रतलाम डिवीजन में वर्किंग न दिया जाए। वर्तमान में गोधरा क्रू को रतलाम, गोधरा रतलाम सेक्शन की LRD दी जा रही है। प्रमुख रूप से इसी का विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल मंत्री कॉमरेड मनोहर सिंह बारट,
वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की मंडल मंत्री अभिलाषा नागर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करने वाले साथी मनोहर सिंह बारट, अभिलाषा नागर, नरेंद्र सिंह सोलंकी, हरीश चांदवानी, गौरव संत, नवीन बोगड़िया आदि रहे। इसके अतिरिक्त वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के शाखा सचिव पंकज पवार, अशोक तिवारी, सुनील चतुर्वेदी, शाखा अध्यक्ष राजेश जैन, भूपेंद्र गुर्जर, युवा समिति के बैनी प्रसाद मीणा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शन के माध्यम से रेल प्रशासन को चेतावनी देना भी है कि पिछले कई समय से रनिंग स्टाफ के साथ में कई तरह के आदेश मंडल में जारी हो रहे हैं, जिसमें दोनों संगठनों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। इसका ध्यान प्रशासन को आगे रखना होगा। संगठनों द्वारा की गई मांग पूरी होने तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होने के कारण हमको डिसीजन लेना पड़ा। शुक्रवार के दिन हमें धरने के लिए दोनों ट्रेड यूनियन ने नोटिस दिया था, लेकिन किसी अधिकारी ने हमको बोला कि इस धरने को रोकने के लिए बात नहीं करी कि हम आज के लिए कोई बात करते हैं। अभी सीनियर टीआरओ साहब का फोन आया था कि हम बात कर रहे हैं, बात करने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। अभी अगर मंडल रेल महोदय कहेंगे तो 5 मिनट आकर हम बात करने के लिए तैयार, इस धरने को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मांग है वो अच्छी मांग है, हमारी मांग को मनवाने के लिए ट्रेड यूनियन का लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका हम उपयोग करते हैं, और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इस हिंदुस्तान में आवाज सभी के लिए संवैधानिक अधिकार है और ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं इस मंच से बात कर रहा हूँ। साथियों, इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक कारखाने में चोरी की बड़ी वारदात हो गई। कारखाने के मेन गेट का ताला नकुचा सहित तोड़कर घुसे बदमाशों ने कारखाने के अंदर भी 4 जगह के ताले चटकाए और लाखों रुपयों का सामान चुरा ले गए। फैक्ट्री संचालक ललित जैन सुबह कारखाने पहुंचे तो चोरी का पता चला। जानकारी अनुसार इंडस्ट्रीज क्षेत्र में उद्योग विभाग के पास जैन इंडस्ट्रीज का कारखाना है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि कल देर शाम को कारखाने पर सही सलामत ताला लगा कर गए थे कि रात में अज्ञात बदमाश चोरी की नियत से पहुंचे। बदमाशों ने इतनी चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि जाते जाते मेन गेट को वापस बंद कर गए। सुबह कारखाना संचालक जब कारखाने पहुंचे तो नकुचा मुड़ा होकर ताले को भी अटका हुआ पाया। जब देखा तो नकुचा सहित ताला हाथ में आ गया। तब उन्हें यकीन हो गया कि उनके कारखाने पर चोरी की वारदात हो गई। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश चोरी के दौरान कोई लोडिंग वाहन लेकर आए होंगे, क्योंकि इतना भारी लोहे का सामान लोडिंग वाहन से ही ले जाया जा सकता है। प्राथमिक तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बदमाश वहां से तकरीबन 3 लाख रुपए कीमत का सामान चुरा ले गए हैं। हालांकि अभी कारखाना संचालक कारखाने के सामान का मिलान कर रहे हैं। औद्योगिक थाना पुलिस प्रकरण दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। थानला में जैन संत के साथ हुई अशोभनीय घटना के विरोध में सकल जैन श्री संघ का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर नंद कुमार सूर्यवंशी से मिला। उन्हें प्रदेश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर जैन संत के साथ अशोभनीय घटना करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान शहर विधायक चैतन्य काश्यप भी उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन सकल जैन श्री संघ के प्रकाश मूणत ने किया। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह झाबुआ जिले के थांदला में आचार्य प्रवर श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के पटधर शिष्य, पूज्य प्रवर्तक श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री सुभेश मुनि जी महाराज साहब के साथ जंगलचर्या के दौरान समुदाय विशेष के शरारती तत्वों द्वारा अति अशोभनीय व्यवहार किया गया। इससे समस्त जैन समुदाय आहत है। उन्होंने इस जघन्य अपराध की घोर निंदा करते हुए कहा कि संत समाज की अनमोल धरोहर है। वे स्वयं की साधना के साथ जगत के हित की कामना के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। उनके साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार समग्र जैन समाज के लिए असहनीय है। ज्ञापन में बताया गया
कि थानला श्री संघ के आवेदन पर स्थानीय प्रशासन ने दोषी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की है। ज्ञापन में इन तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ज्ञापन देने के दौरान सकल जैन श्री संघ के संचालक मंडल सदस्य ललित कोठारी, राजेंद्र खाबिया, प्रकाश मूणत, निर्मल लूनिया, जयंत बोहरा, महेंद्र चाणूदिया, ओम अग्रवाल के साथ श्री संघ के अभय लूनिया, सुदर्शन पिरोदिया, अशोक चत्तर तथा शैणिक चाणूदिया एवं महावीर जैन युवा संघ के झमक भरगट आदि संघ सदस्य उपस्थित रहे। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए बताया, थानला में जैन संतों के साथ में एक संप्रदाय विशेष के कुछ व्यक्तियों ने अभद्र व्यवहार किया था और इसके लिए पूरे जैन समाज के अंदर रोष है और आज रतलाम के सकल जैन श्री संघ की ओर से गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधीश को दिया गया। इस अवसर पर रतलाम नगर के सभी संघों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। वह आज के ज्ञापन में हमारे द्वारा वो हमारे मार्गदर्शक हिम्मत जी कोठारी के द्वारा यह मांग की गई है कि यह इस तरीके की घटनाएं सामाजिक विद्वेष फैलाती है और इस तरीके के कृत्य को करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं सबक दिया जाए कि समाज में इस तरीके के विद्वेष की भावना वो खास करके जैन संत जो त्याग की मूर्ति होते हैं इनके साथ इस तरीके की घटनाएं करना समाज के लिए कभी भी शोभनीय नहीं हो सकती है। अब छोटे से ब्रेक का। 40 वर्षों से जाना पहचाना नाम रामदयाल ब्रदर्स, जहां आप पाएंगे कूलर ही कूलर सभी। सामने दो बत्ती रतलाम। के दावे करें लेकिन बदमाशों के हौसले हर दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी घटना में पिछले दिनों एक बदमाश ने अपना मनपसंद गाना नहीं बजाने की वजह से एक बार कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके अंतर्गत स्टेशन रोड थाना पुलिस ने विभिन्न धारा उक्त बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बदमाश के साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया था लेकिन मुख्य बदमाश फरार चल रहा था, जिसको विगत दिनों स्टेशन रोड थाना पुलिस ने देवास से गिरफ्तार करते हुए रतलाम लेकर पहुंची। तीन दिन पूर्व फाइव एलिमेंट बार में चाकूबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ बरगुंडा और उसके दो साथियों की गिरफ्तारी कर ली है। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इन बदमाशों की रंगदारी भी उतारी है। आपराधिक प्रवृत्ति के सौरभ बरगुंडा और उसके दो साथियों का स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आज पैदल जुलूस निकाला है। घटना के बाद मुख्य आरोपी सौरभ बरगुंडा फरार था, जबकि उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
वहीं प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी सौरभ बरगुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा कई गतिविधियां आयोजित कर विश्व पर्यावरण दिवस को आदर पूर्वक मनाया गया। साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से नगर के सभी रहवासियों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सफाई अभियान एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम प्राथमिकता से आयोजित किए गए, जिसमें कालिका माता गार्डन एवं झाली तालाब की सफाई की गई। तत्पश्चात पौधारोपण के कार्यक्रम में निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा, निगम आयुक्त APS गहरवार एवं समस्त वार्ड प्रतिनिधि सहित जनमानस की सहभागिता रही। इस उपलक्ष में श्रीमती मनीषा शर्मा द्वारा रहवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अपील की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर शपथ करते हैं कि हमारे शहर में जो भी प्लास्टिक उपयोग हो रहा है उसको बंद करने में सहयोग करेंगे। नगर निगम द्वारा श्री कालिका माता उद्यान में एक प्लास्टिक पेड़ का निर्माण किया गया, जो 3R संकल्प पर आधारित है। इस पेड़ के निर्माण में लगने वाली सामग्री RRR केंद्र से उपलब्ध कराई गई एवं जिसके फलस्वरूप संदेश युक्त प्लास्टिक पेड़ का निर्माण किया गया। 3R केंद्र से प्राप्त सामग्री जैसे कपड़े, जूते, खिलौने आदि वस्तुओं को 3R केंद्र की वाहन द्वारा कच्ची बस्ती में इन सभी सामग्रियों का वितरण किया गया एवं 3R केंद्र के प्रचार प्रसार हेतु गतिविधि आयोजित की गई। उन्होंने जो ये अनुकरणीय कार्य किया है, इस तरह की जो पहल है वो शहर में पहली बार हुई है और इसके लिए सभी शहरवासी इसमें अपनी जागरूकता दिखाएं, तो यही हमारी आपसे निवेदन है। और जो खराब बोतलें निकलती है प्लास्टिक की, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, इस तरह से भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यह संदेश आज नगर निगम द्वारा आपको दिया गया है। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें सॉल्यूशन फॉर पॉलिथिन पॉल्यूशन पर वीडियो क्लिप दिखाई गई। साथ ही पौधारोपण किया गया एवं बिजली बचत अन्य पर्यावरण संरक्षण संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। इस अवसर पर MSc जूलॉजी पूर्वाधार एवं उत्तराधार के विद्यार्थी एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जामो, डॉक्टर अनिश मोहम्मद, डॉक्टर राजा राम रोमड़े, डॉक्टर भावना डावर, MSc उत्तराधार की छात्रा उर्मिला सालवी नौशीन एवं पूर्वाधार की छात्रा सलीना ऐश्वर्या निकी हिरोर आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण उपाय में अपना सहयोग देंगे। जय हिंद। आज के लिए बस यही तक, तो मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हजारों कर्मचारी, सैकड़ों अधिकारी होने के बावजूद भी क्षेत्र की समस्या का नहीं हो रहा निराकरण। कांग्रेस पार्षद ने कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर निगम अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। निगम आयुक्त सहित अधिकारियों को लिया आड़े हाथों। जो न हुई पूरी मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जाम के नारे लगाने के साथ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और मजदूर संघ द्वारा संयुक्त रूप से रनिंग रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। रहवासी क्षेत्रों के बाद अब चोरों के निशाने पर इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर चोरों ने चटकाए ताले। 3 लाख से अधिक रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। उत्तर थाना पुलिस प्रकरण दर्ज कर विवेचना में जुटी। ओठानला में जैन संत के साथ हुई अशोभनीय घटना के विरोध में सकल जैन श्री संघ का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर नंद कुमार सूर्यवंशी से मिला। गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।